पहाड़पुर प्रखंड के मेला चौक स्थित पांडे कॉम्प्लेक्स में स्थानीय युवाओं द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि ब्रावो फार्मा के CMD राकेश पांडे के पहुंचते ही शुभचिंतकों ने माला पहनाकर उनका भरपूर स्वागत किया। मुख्य अतिथि राकेश पांडे को अंगवस्त्र उड़ाकर पांडे कॉम्प्लेक्स के मालिक माधव पांडे ने सम्मानित किया। उनके साथ आए सारण MLC सच्चिदानंद राय को ज्ञान सरोवर कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर निर्मल कुमार सिंह ने अंगवस्त्र से सम्मानित किया। बैठक को संबोधित करते हुए ब्रावो के CMD राकेश पांडे ने कहा कि मैं हमेशा युवाओं के लंबे भविष्य की कामना करता रहता हूं। अरे राज में छात्रों के अध्ययन के लिए पुस्तकालय आदि की व्यवस्था। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि डिजिटल स्मार्ट बोर्ड का जल्द शुभारंभ किया जाएगा, जिससे छात्रों को पढ़ाई करने में सहूलियत होगा। वहीं उन्होंने युवाओं से कहा कि अनुमंडल के बाद प्रखंडों में पुस्तकालय की व्यवस्था की जाएगी। वहीं बैठक के आयोजन अभिषेक पांडे द्वारा किया गया था। मौके पर पूर्व जिला पार्षद ध्रुव चौरसिया, शिक्षक श्री कृष्ण भगत, भीम सिंह सुरेंद्र चौरसिया, पंकज सिंह डॉक्टर, मोहन पासवान, टुनटुन पांडे, दीनालाल चौरसिया, आर राहुल, जितेंद्र ठाकुर सहित सैकड़ों युवा मौजूद थे। देखिए ऐसा है कि आपके माध्यम से एक तो पहाड़पुर गाँव जेवा ये कौन इंग्लिश गांव ना हमने कही पहाड़पुर गांव ये पहाड़पुर गांव जेबा में बहुत प्रेमी स्नेही लोग रहेला। जब हमने नया नया 2017 में काम कर शुरू करनी तब से लोग जुड़ाव बा और तब से लोग बहुत तरह से सहयोग कैले बा परोक्ष रूप से या परोक्ष रूप से। तो जब आदमी घरे आवेला तो कहीं ना कहीं चंपारण में प्रोग्राम रहेला, लेकिन हम पिछला 1-1.5 साल से ऐसा मौका बनल कि हमने का पहाड़पुर ना आ सकनी। तो पिछला बार भी प्रोग्राम रहे आवे के ना आ सकनी। आज मंदिर में पूजा पाठ भयला बाबा महादेव सोमेश्वरनाथ का और वहाँ से हमने का यहाँ आयल बनी। अपना जितना भाई बंधु वालों सब से भेंट उठ भैया भेंट होते रह चाहिए, क्योंकि जौना समाज से आदमी आवेला वो समाज से जितना जुड़ाव रही तो उतने समाज के प्रति कुछ जागरूक होकर आदमी काम भी कर सकता। और नया जनरेशन जो बा एकदम भविष्य बा हमनी के, तो नया जनरेशन के संगे जितना हमनी के जुड़ाव हुई हमनियों का उन लोगों के भविष्य के मतलब एक भविष्य के सवारे में अपन योगदान दे सकते हैं। तो ये बा और बाकी खेलकूद के कार्यक्रम बा कुछ डिजिटल ब्लैक बोर्ड के प्लानिंग वजह काफ़ी दिन से स्मार्ट बोर्ड के प्लानिंग वजह बहुत दिन से पेंडिंग बा ओकरों के जल्दी करवा दिए जो लड़का जा सकते एकदम डिजिटल तरीका से पढ़ाई होकर। अरे राज में हमने कहा लाइब्रेरी तो बनाते बनी सर तो अरे राज ब्लॉक स्तर पर बन जाए तब हमने कहा ग्राम स्तर पर प्रखंड स्तर पर काम करें शुरू करें सर। तो उस समय हो सकता कि यहाँ भी कुछ ई लाइब्रेरी लड़का सलाह बना दे ताकि यहाँ बैठल पूरा दुनिया की चीज़ों निकाल पढ़ सकें। और आपकी चुनाव की तैयारी कैसे चल रही है भाई साहब? मैं ये बताइए चुनाव है कब? ऐसे उड़ते उड़ते खबर हम लोगों की मिल रही है। चुनाव है कब वही तो पूछ रहे हैं। 2024 में तो 17 से हम काम करते हैं तो 17 से 24 ला तैयारी करते हैं 7 साल। नहीं अभी तो हम लोग सुनने में आ रहा है कि सुनने में आ रहा है तो आप सुनिए पूर्वी चंपारण से मैंने नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। मेरा बात सुनिए कि बात ये समझिए कि अगर अपने भाई बंधु के लिए काम करना चुनाव की तैयारी है तो बाकी नेता लोग भी तो चुनाव लड़ते हैं वो लोग क्यों नहीं अपने भाई बंधु के लिए कुछ काम करते हैं? अगर मौका मिलता है तो क्या करते? किस चीज़ का? अगर पार्टी आपको या कोई राजनीतिक दल आपको जो है बड़ी राजनीतिक दल आपको जो है मौका देती है तो पूर्वी चंपारण के लिए मान इतना तो आप काम कर रहे हैं ना अभी जनप्रतिनिधि हैं ना कुछ है, फिर भी आप लोगों के लिए चाहे युवाओं के लिए इतने आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। अगर पार्टी आपको बड़ी पार्टी अगर मौका देती है तो पूर्वी चंपारण के लिए आप क्या करेंगे? ये सबसे पहली बात यह कि जब तक अभी तक किसी ने मौका दिया है मुझे नहीं दिया है, कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है मेरे पास नहीं है, तब क्या काम किसी सांसद विधायक से कम किए हैं तो बताइए? किसी तो सांसद विधायक ने आज तक आपके महिला स्वच्छता के ऊपर इस जिले में कोई काम किया? किसी ने सैनिटरी नैपकिन से संबंधित विषय पे काम किया? नहीं किया। हम कर रहे हैं तो ये बताइए कि जो चुनाव लड़ के जो लोग नहीं कर रहे हैं वो बिना चुनाव लड़े हम कर रहे हैं? तो ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का जवाब हम आप कैसे दे सकते हैं कि अगर आपको पार्टी लाएगी तो जैसे ये तो वही बात हो गया अगर डॉक्टर आता तो मरीज नहीं मरता। पूर्वी चंपारण पहाड़पुर R9 भारत संतोष त्रिपाठी की रिपोर्ट।